बीएन न्यूज़। और इस वक्त हम टोहाना शहर में, आपको बता दें कि टोहाना शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन है और ऐसे लोगों पर नज़र है जो बेवजह यहां पर घूम रहे हैं या वो बिना काम से आए हो, वहां पर पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सख्त है। और आपको बताएंगे टोहाना के अंदर धारा 144 का उल्लंघन करने पर एक व्यक्ति पर केस भी दर्ज किया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी गहनता के साथ जो है जाँच कर रहे हैं कि कोई ऐसे जो बिना वजह के जो लोग जा रहे हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। आपको बताएंगे जो ये टोहाना शहर है, ये देखिए जो भी वाहन आ जा रहे हैं उन पर पूरा तरीके से फोकस किया गया और पूछताछ जांच करने के बाद ही आगे जाने दिया जाता है, अन्यथा जो बेवजह घूमता है उनके खिलाफ जो है केस सरकार के आदेश पर जो पुलिस प्रशासन है पूरी शक्ति के साथ नज़र यहां पर आ रहा है। और आपको बता दें कि टोहाना शहर के चप्पे चप्पे पर जो पुलिस प्रशासन है वो मौजूद है और खुद जो यहाँ के शहर थाना प्रभारी है, सदर थाना प्रभारी है या अन्य सभी जगह पर जो चौकी इंचार्ज है वो लगे हुए हैं, लोगों को बाकायदा समझा रहे हैं। इसके अलावा जो सख्ती के साथ भी निपटा जा रहा है, आपको बता दें टोहाना शहर में धारा 144 का उल्लंघन करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। और मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए चारों तरफ, ये शहर का जो वाल्मीकि चौक है, ब्राड चौक जिसको कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सुनसान नज़र आ रहा है, पुलिस प्रशासन की कड़ी नज़र है, हर आने जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, पूरी जांच के बाद ही उसे जाने दिया जा रहा है जो इमरजेंसी है, अन्यथा जो बेवजह बाहर जा रहे हैं उनके खिलाफ जो सख्त है वो एक्शन यहाँ लिया जा रहा है। और आपको बता दें कि चाहे ट्रैफिक इंचार्ज है, चाहे पुलिस प्रशासन के जितने भी लोग हैं, वो लोगों को पहले अवेयर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मानते नहीं उनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लेने पर पुलिस प्रशासन मजबूर हो गया है। और ये आप देख सकते हैं जो ब्राड चौक है यहाँ पर, देखिए पूरा सुनसान नज़र आ रहा है, हालांकि कुछ दुकानें जो अलाउड है वही खुली है। और आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन, और आपने आपको दिखाएंगे पूरे शहर की तस्वीर क्या है और दुकानें कौन सी खुली है, कौन सी दुकानें बंद है। जुड़े रहिए TBN न्यूज़ के साथ। चलो आराम से चलिए, ठीक है, साथ आ रहा है।